दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट इशू पीओके के बारे में। पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीर हमेशा से ही इंडिया पाकिस्तान रिएक्शन का अहम पहलू रहा है, खास करके तब जब गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 को हटाया गया। साथ ही जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। पीओके जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने 1947 के युद्ध में कब्जा कर लिया था और तब से पाकिस्तान में इसे आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहां पर अलग सरकार है लेकिन इसका प्रशासन पाकिस्तान सरकार ही चलाती है। आज़ादी से पहले ये हिस्सा जम्मू कश्मीर का हुआ करता था। ये हिस्सा जम्मू कश्मीर से लगभग 3 गुना बड़ा है। माना जाता है कि कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए ज़्यादातर आतंकियों को ट्रेनिंग यहाँ पर ही दी जाती है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से पीओके इशू की हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं और जानते हैं कि इंडिया का इस पर क्या स्टैंड है और इंडिया पीओके को वापस क्यों नहीं ले पाया। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या इंडिया पीओके को वापस ले सकता है और इंडिया के पास पीओके वापस लेने के ऑप्शन क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन डागर पर। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। पीओके को पाकिस्तान ने प्रशासन की सुविधा के लिए दो हिस्सों में बांट रखा है जिसे सरकारी भाषा में आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान भी कहते हैं। आज़ाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है और इसमें 8 जिले 19 तहसील हैं। अगर गिलगित बाल्टिस्तान को हटा दिया जाए तो आज़ाद कश्मीर का क्षेत्रफल 13,300 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी 40 लाख है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती करते हैं। यहाँ पर स्कूल कॉलेज की कमी है, फिर भी यहाँ पर साक्षरता 72% है। पाक अधिकृत कश्मीर का वह भाग जिसकी सीमाएं पाकिस्तान, पंजाब, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में भारत से लगती है। पाक अधिकृत कश्मीर के हुंजा गिलगित के एक भाग को पाकिस्तान द्वारा 1963 में चीन को सौंप दिया गया था। यहाँ पर कोयले के भंडार हैं और चाकपाक साइट के भंडार भी हैं। यहाँ के लोग लकड़ी का सामान, वस्त्र, कालीन का उत्पादन करते हैं। फारूक अब्दुल्ला अगर कहते हैं कि पीओके पाकिस्तान का है तो इसकी आलोचना कीजिए, लेकिन पीओके अगर भारत का है तो उसे वापस पाने के लिए भारत क्या कर रहा है, जरा इस पर भी सोचिएगा। 1965, 1971 और 1999 में 3 युद्ध हो गए लेकिन यह हिस्सा भारत वापस नहीं ले पाया। तो क्या इसे वापस हासिल करने के लिए कोई चौथा युद्ध होगा जो पिछले 3 युद्धों से बहुत बड़ा होगा और पीओके को भारत के साथ वापस लेने के मकसद से भारत की तरफ से छेड़ा जाएगा, या फिर किसी बातचीत में पाकिस्तान भारत के चरणों में लोटपोट हो जाएगा और भारत की थाली में पीओके को सजाकर वापस कर देगा। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि हम सिर्फ पीओके को अपना अभिन्न हिस्सा बताते हैं लेकिन अपने इस अभिन्न हिस्से की तरफ आँख उठाकर देखने की भी हमारी हिम्मत नहीं होती। वहाँ के नागरिक पाकिस्तान सरकार और सैनिक के अत्याचारों से त्रस्त हैं लेकिन उनकी रक्षा के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाते, जबकि भारतीय स्टैंड के मुताबिक वे हमारे नागरिक हैं। ऐसे तो 1947 में पाकिस्तान ने पीओके को हथियाया, 1994 में भारत की संसद ने उसे अपना अभिन्न हिस्सा बताया, लेकिन आज 2021 तक किसी को नहीं मालूम कि पीओके भारत को वापस कब मिलेगा। बलूचिस्तान की आज़ादी की बात भी हमने कर दी लेकिन उस दिशा में भी बयान से आगे कोई बात नहीं हो सकी। दरअसल भारत की सरकारें आज तक पाकिस्तान को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पाई है। भारत में जो भी सरकार आती है वह पहले पाकिस्तान से दोस्ती की बातें करती है, चाहे वो नरम हिंदुत्व वाले वाजपेयी जी की सरकार हो या गरम हिंदुत्व वाले मोदी जी की सरकार हो। जबकि अब करीब 70 वर्षों के अनुभव से हमें मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान वह रस्सी है जो जल भी जाए तो उसकी ऐंठन कम नहीं हो सकती। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जो इस्लाम के नाम पर आतंकवाद का व्यापार करता है और जिसने अपने ही नागरिकों को गंदगी, गरीबी, जहालत और कट्टरता की आग में झोंक रखा है। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान के साथ युद्ध की वकालत नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ यह कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा मित्र नहीं है, न हो सकता है। इस सत्य को हम समझ लें, इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और दुश्मन ही रहेगा, जैसे इसराइल और फिलीपींस दुश्मन है। फिर सवाल उठेगा कि अगर पाकिस्तान को हमने अपना दुश्मन मान लिया तो फिर क्या करेंगे। मेरे हिसाब से हमें इसके बाद इन 5-6 चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। नंबर 1, जैसे पाकिस्तान खुलकर पूरी दुनिया से कहता है कि वह कश्मीर के जिहादियों को अपना समर्थन देता रहेगा और वह डंके की चोट पर ऐसा करता भी है, उसी तरह भारत को भी यह स्पष्ट रुख कायम करना होगा
कि वह पीओके, सिंध और बलूचिस्तान के जिहादियों को अपना खुला समर्थन देगा, क्योंकि या तो पाकिस्तान ने वहां अवैध कब्जा किया हुआ है या फिर वह लगातार उन इलाकों में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। नंबर दो, जैसे पाकिस्तान भारत में आतंकवादी भेजकर कश्मीर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, वैसे ही हम सिंध, बलूचिस्तान और पीओके में आतंकवादी भेजने की वकालत तो नहीं करते, लेकिन वहां के जिहादियों को खुला राजनीतिक और नैतिक समर्थन देने की वकालत अवश्य करते हैं। नंबर तीन, पाकिस्तान को पता चलना चाहिए कि वह अधिक से अधिक हमारी छोटी सी कश्मीर घाटी को ही डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन हम समूचे पाकिस्तान को बेचैन कर सकते हैं। जहां तक कश्मीर घाटी का सवाल है, वहां पर भी सुरक्षा इतनी पुख्ता हो कि पाकिस्तान की तरफ से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके, इसलिए सुरक्षा बलों को और अधिक अधिकार दिए जाएं। नंबर चार, भारत को यह सपना देखना छोड़ देना चाहिए कि पाकिस्तान में कभी स्थिरता आएगी या वहां की कभी ऐसी लोकतांत्रिक और ताकतवर सरकार कायम हो सकती है जिस पर सेना, ISI और आतंकवादियों का दखल न हो। धर्म के नाम पर बना कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त हो ही नहीं सकता, वहाँ किसी न किसी रूप में आतंकवाद रहेगा ही। इसलिए भारत को इस बात पर गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान का इलाज स्थिरता नहीं बल्कि अस्थिरता है। उसे इतना स्थिर होने दिया जाना चाहिए कि वह अपने आप ही कई खंडों में विखंडित हो जाए। नंबर पाँच, जब पाकिस्तान कई खंडों में विखंडित हो जाएगा, अर्थात पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म होकर छोटे छोटे कुछ देश अस्तित्व में आ जाएंगे, तो वे देश निश्चित रूप से पाकिस्तान के अनुभव से सबक लेकर धार्मिक कट्टरता का कारोबार छोड़कर अपने नागरिकों के कल्याण के लिए भारत के साथ दोस्ताना रवैया अपनाना चाहेंगे। नंबर छह, कुल मिलाकर भारत को भी घोषित युद्ध की बजाय अघोषित युद्ध की नीति अपनानी होगी, जिसमें पाकिस्तान के साथ दोस्ती कायम करने के दिखावटी उपायों पर निर्भरता कम हो और उसे विखंडित करने की रणनीति पर अधिक काम हो। और जब हम यह कह रहे हैं तो इसमें यह भी नियत है कि यह न सिर्फ भारत के हित में है बल्कि पाकिस्तान के नागरिकों के हित में है। पाकिस्तान के आम नागरिकों से हमें कोई समस्या नहीं है, हमें समस्या उस विचार से है जिसमें धर्म, कट्टरता और आतंकवाद की बुनियाद पर पाकिस्तान जैसे ना पाकिस्तान का गठन किया गया है। उस विचार की हार हो जाए तो पाकिस्तान के नागरिक भी जीत जाएंगे, जो आज भी भारतीय मुसलमानों की तुलना में अधिक गंदगी, गरीबी और जहालत में जी रहे हैं। मैं तो यह सोच कर ही कांप उठता हूँ कि वह देश कैसा होगा जहाँ स्कूल जाने पर बेटियों को गोली मार दी जाती है या फिर गाना गाने पर किसी गायक की हत्या कर दी जाती है। आज पाकिस्तान में आम मुसलमान असुरक्षित है और यह बात दुनिया भर के मुसलमानों को बताई जाए और समझाई जानी चाहिए। पाकिस्तान के भीतर के मुसलमान अधिक खुशहाल हो सकते हैं अगर वे आधुनिक विचारों को अपनाएं और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। धार्मिक कट्टरता उन्हें सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी बना रही है, जबकि मानवतावादी विचारों को अपनाकर वे इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।